हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। जुल्कर भाई के बकरे के शूट कर रहे हैं विक्रोली में माशाल्लाह से। और जुल्कर भाई साथ में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम आसिम भाई। ये जो बकरा है, ये बकरे के बारे में आपसे सवाल करूंगा मैं। जुल्कर भाई ने बोले आपसे थोड़े सवाल किए जाए। तो ये बकरे के बारे में थोड़ा बताइए भाई। भाई ये बकरे की नस्ल अभी हैदराबादी और पतीरा मिक्स है माशाल्लाह। कहाँ से सोर्स किए थे इसको वैसे कुछ पता है? मतलब गुजरात। गुजरात में? गुजरात से लेकर आए थे माशाल्लाह। काफ़ी पूरा तर गुलाबी है ना भाई। जुल्कर भाई आपको गुजरी का शौक है? हाँ। तो ये कहाँ से शौक आ गया? मतलब ये शौक भाई आया मेरे छोटे भाई से। मेरा छोटा भाई तो बहुत वाइट बकरे पतीरा चाहिए। चम्मो माशाल्लाह इसकी आइज भी जो है पूरी वाइट आइज है ना। पूरी वाइट आइज है भाई। हैदराबादी और पतीरा थोड़ा मिक्स है मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। पिछले साल से ये साल मतलब एक साल में इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ दी। ग्रोथ तो लिया है माशाल्लाह। आपके भाई को बुला लेंगे। ये मेरे भाई को भाई बहुत शौक सफेद बकरे रखने का। आपको क्यों नहीं ऐसा गुजरी का शौक क्यों नहीं है? क्यों लेकिन मतलब विक्रोली में तो मैक्सिमम देखने जाएंगे अगर हम लोग तो मैक्सिमम लोगों को गुजरी पसंद है। इनफैक्ट मेरे को भी गुजरी पसंद है बकरे। अगर पालने के हिसाब से देखेंगे लेकिन भाई को आज पहली बार सुन रहा विक्रोली में ये किसी को वाइट बकरे पसंद है। इसका रीज़न क्या है? गुलाबी की वजह से। तो गुलाबी वाइट आग बकरा चाहिए। अच्छा। और अंडुल? अंडुल चाहिए। खस्सी में भी तो बड़े बड़े बकरे रह जाते हैं ना भाई। तो यही क्यों अंडुल क्यों? बस पसंद है भाई, बचपन से आदत है अंडुल ही पालने की। तो अंडुल ही पालने। इसको कब लिए थे? इसको ले गया अभी एक साल होने आया। एक साल हो गया। तो इसको खाने पीने में क्या क्या देते हैं? बस सेम जो सेम डाइट देते सेम डाइट। जुल्कर भाई गुजरी के हिसाब में इसने इतना वेट गेन क्यों नहीं किया? ये भाई अभी कैसा है हैदराबादी और पतीरा। हैदराबादी थोड़ा मिक्स है ठीक है, और पतीरा भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं जो उसे नॉर्मल कोई पतीरा ही बोलता है भाई वाइट आइज में है। तो इसमें ऐसा हो गया है कि करके बकरा बहुत अच्छा मतलब साल भर में जितना इसको लेना चाहिए ग्रोथ साल भर में उसने अच्छी खासी ग्रोथ ले लिया। मतलब एज कम्पेयर अगर तुम देखोगे पिछले साल बकरा कैसा था और ये साल कैसा है। अगर सेल्फ फीडिंग पे मेन चीज़ ये वो तो हाँ सेल्फ फीडिंग पे तो सेल्फ फीडिंग पे जितना खाता है जितना चाहिए हम लोग उतना देते नहीं बन पाते ना। लेकिन सेल्फ फीडिंग पे भगाई करते हैं लोग मगर अपने को भगाई पसंद नहीं भाई। अच्छा। हाँ तो सेल्फ फीडिंग पे जितना है जितना खाता है जितना उसको चाहिए उतना देते। इसकी माशाल्लाह झालर वगैरह भी अच्छी खासी है। बहुत अच्छी है अभी भाई। अभी चौथा लगा रहे अभी। अच्छा। हाँ मेन चीज तो चौथा लगा रहा मगर पॉग रखने की नियत तो नहीं कुर्बानी की नियत हो गई है। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसकी भी ये साल कुर्बानी करेंगे। इसका नाम सिम्बा। सिम्बा नाम रखे माशाल्लाह इसका। इसी सिंग वगैरह भी देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह पूरी मार्बल सिंग में है ना। हाँ, ऐसा बच्चा कितने तक आ जाता है मतलब अगर लेने जाएंगे तो मार्केट में? मार्केट रेट तो एक्चुअली बहुत है भाई अपने भाई अगर तुम लेने चले जाओगे तो 25 से 30 हज़ार तक आएगा। गुजरी से महंगा रहता है? गुजरी से महंगा आता है क्योंकि वाइट गुलाबी वाइट आग लोग कहते हैं मार्बल खुर भी होना चाहिए तो इसके खुर भी पूरे मार्बल है वो था। इसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसको यहाँ पे क्या हुआ था इसके पेट ये घसता है जो ये बदन जो है ना अपना ये यहाँ पे जो हाँ ये बदन जाली पे घसा है इसे तो इसको छील वगैरह गया था। हाँ जाली पे बदन घसा भी दुकान में खुला रहता है। अरे बाप रे पूरी ताकत से लगा रहा अपनी तो माशाल्लाह से। जुल्कर भाई लास्ट ईयर जो मैंने बकरा देखा था ये वाला इसने काफ़ी वेट गेन किया है। पूरी ताकत लगा रहा अपनी काफ़ी वेट गेन किया है। वेट गेनर के लिए क्या दिया जाता है लोगों को वेट गेन करने के लिए? वेट गेन करने के लिए हम लोग दूध प्रीफर करते हैं। दूध देते हैं नॉर्मल दूध। हाँ दूध देते हैं। उसके साथ में कुछ मतलब उसमें प्रोटीन नहीं? उसमें साथ में कोई प्रोटीन नहीं कुछ नहीं नॉर्मल दूध देते हैं। आधा लीटर दूध जो है ये बकरे की खुराक है। हाँ आधा लीटर रात में आधा लीटर दूध ये भी और वो भी उसको भी दोनों आधा आधा लीटर दूध तो गर्म करके देते हैं कि कच्चा? अनाज सेम है दोनों का दूध और हर चीज़ दोनों की सेम है। हाँ गर्म करने की हाँ गर्म करके रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के बाद में उसे उसको फिर ठीक है। बकरा अगर बीमार पड़ता है ये लोग बीमार पड़े कभी? अभी अल्लाह के करम से तो अभी तो फिलहाल तो बीमार नहीं पड़े। नहीं आज तक नहीं बीमार पड़े। अभी तक तो बीमार नहीं पड़े। अच्छा नहीं तो इन लोग को मतलब घर में पाले सर्दी वगैरह होती थी तो क्या? सर्दी वगैरह नॉर्मल गाय का तेल। गाय का तेल प्रीफर करते गाय का तेल पिलाते बस उसी से सर्दी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। फार्म पे बकरा रहता है। हाँ। और घर पे बकरा रहता है तो कितने बार खूर बढ़ाता है? खूर में कैसा है 3 महीने 4 महीने का हिसाब है अदनान भाई।
तो 3-4 महीने में बकरा जो है वो खून पकाता है, तो उसके लिए जो है बकरे के बाल भी कटवाते और खून के लिए भी बुलाते हैं। तो इनकी कुर्बानी करनी थी तो हम लोग ने 3 महीने में इनके खून कटवाए, बाल तो कटवाए नहीं इनकी कुर्बानी के लिए है अभी तो, मगर हर 3 महीने में 4 महीने में जो है वो बाल कटवाने चाहिए वक्ती तौर से और खून भी बनवाने चाहिए, नहीं तो पैर जो है उल्लू के वो फैल जाते। तो घर पे अगर कोई पालता है बकरे तो बाल 3 महीने में, हाँ 3 महीने में बाल कटवाए खून कटवाए बकरे के, तो बकरा उससे जो है वो पैर की तकलीफ बकरे को कभी नहीं आएगी अगर टाइम से उसके खून जो है वो बरोबर कटेंगे। इन लोगों का टाइमिंग क्या क्या है खाने पीने का, मतलब क्या क्या टाइम से देते हैं? इन लोगों को सुबह में जो है वो अनाज देते हैं, एक 10 बजे के आसपास, 10 से 11 बजे के आसपास, फिर दोपहर में जो है वो पत्ते, शाम में इनका जो रूटीन है घास और पत्ते का, और फिर रात में दूध देते हैं और एक्स्ट्रा जो है वो चना दिखाते हैं शाम में। सुबह अनाज और शाम में चना अलग से। अच्छा, तो वो बहुत इनफ रहता है ना बकरे लोग? इनफ हो जाता है, हाँ इनफ हो जाता है, मतलब दिन भर बकरा खा रहे हैं बकरे, हाँ। तो खुद ही नहीं खाएंगे, मतलब इनफ हो जाता है उनको, हो जाता है ना। डीवर्मिंग तुम कराओगे तो बकरा कंटिन्यूसली 1-2 महीना जो है वो अनाज उठाएगा। घर पे वेट कितना गेन करता है, मतलब पर मंथ? अभी ये दोनों अंडुल बकरे हैं, ये दोनों अंडुल हैं, गर्म रहते हैं, एक दूसरे को देख करके बकरे खाते नहीं है मेन, वैसा भी होता है कभी, तो गर्म हो जाते बकरे तो खाते नहीं है। अगर तुम घर पे पालोगे, घर पे पालोगे, एक अच्छा बच्चा खरीद के लाओगे और घर पे पालोगे तो मिनिमम 75 kg प्लस होएगा। अभी जैसे ये बकरा है, हम लोग ने इसको वजन कराए थे तो इसका वजन आया था कुछ 76 के आसपास। इसका वजन आया अभी लाइव वेट, हाँ लाइव वेट, अभी एक 1.5 महीना पहले। अच्छा, तो अभी तो बढ़ गया होगा ना? अभी तो फिलहाल हाँ उतना ही होगा या नॉर्मल या 1-2 किलो का फर्क आया, फर्क आएगा। तो मतलब मंथली कितना देते हैं, मतलब अंडुल बकरे अगर घर पे पले हुए रहेंगे तो? मैं तो पूरे साल का हिसाब पकड़ूंगा, अगर तुम भराई नहीं कर रहे हो तो। नहीं नहीं, मुंह से खा के कितना पर मंथ के हिसाब से अगर जोड़े? पर मंथ के हिसाब से जोगे तो 3 किलो, तीन किलो, तीन किलो आराम से, आराम से 3 किलो। और खस्सी पकड़ा रहेगा तो 5 किलो भी पकड़, 5 किलो भी पकड़ लेता है। माशाल्लाह, शौक जो है इसको मेंटेनेंस तो इसका बहुत हाई होगा ना भाई, व्हाइट कलर का बकरा है, निलाना भाई बहुत पकड़ा। भाई भाई से पूछेंगे कौन से शैम्पू से इसको निलाते हो, कौन से शैम्पू से इसको निलाते हो? फिर भी कितने दिन में निलाते जुलकर भाई इसको, व्हाइट वाले को? ये हर 3 हफ्ते में 1 बार निलाते, 3 हफ्ते में 3 हफ्ते में 1 बार निलाते। माशाल्लाह, दोनों कलेक्शन जो है आपके कुर्बानी के बहुत अच्छे हैं। एक्सपेक्ट करते हैं और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए गुजरी का कुछ प्लान वगैरह करो बड़ा, आफ्टर लॉकडाउन लेके आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें कुछ बड़ी चीज लेकर आएंगे इंशाल्लाह, लाएंगे इंशाल्लाह बड़ी चीज लाने वाले, बनाएंगे वीडियो इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलो शुक्रिया अदनान भाई आपका आने के लिए, चलिए चलो अल्लाह हाफिज़।